फ्लैशबैक। पापा मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, थोड़ा दरवाजा बंद कर देना। One eternity later. आज तो बहुत ही गर्मी है पापा, एसी चला दो ना। अरे तो फिर कूलर ही चला दो ना, जो अगले दिन हमने खरीदा था उषा वाला, वही चला दो, वही अच्छा है। तो ये जो चीज है ये बहुत ही कॉमन है नाउडेज, एंड सो अगर आप चाहते हैं कि ये जो चीज हो रहा है ये आपके साथ ना हो, तो आप ये जो वीडियो है ये पूरा देख लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। ओके सो हे गाइज, इट्स मी अनिर्बान एंड बैक हियर विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माई चैनल। इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू अ कूलर दैट आई रिसेंटली ब्रॉट, इट्स फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड उषा। तो मेनी ऑफ अस नो दैट द उषा ब्रांड इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड, एंड वेन इट कम्स टू कूलर्स वी थिंक दैट विच वन वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर अस। सो इन दैट केस आई डिसाइडेड टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो सो दैट इन ऑर्डर टू गिव यू ऑल अ क्लियर आइडिया अबाउट वॉट आर द फीचर्स और वॉट आर द की points that we should keep in mind while we go to purchase any kind of coolers or something like that. So आज का जो video है इसमें मैं इसके बारे में पूरा एक detail overview दूंगा। ये जो particular जो cooler है ये basically उषा brand की तरफ से है, और ये उषा tornado series का एक portable cooler है जिसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। जैसे कि अगर आप ये जो कूलर है ये खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको भी एक अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि आपको भी इजी हो कि वेदर यू शुड बाय दिस पर्टिकुलर मॉडल और यू शुड ऑप्ट फॉर अ डिफरेंट वन। सो इन दैट केस आई डिसाइडेड टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू इट। ओके सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो कूलर है ये बेसिकली उषा ब्रांड की तरफ से है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो एग्जैक्ट मॉडल है ये उषा टॉर्नेडो सीरीज का एक एयर कूलर है जिसका नाम है उषा टॉर्नेडो ZX। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो मेन खासियत है वो है कि ये बहुत ही स्लिम टाइप का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम बहुत सारे कूलर्स में क्या देखते हैं कि इसका जो मतलब जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके लिए क्या होता है कि हमको घर पे किसी भी कोने पे एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो डिज़ाइन है ये बहुत ही स्लिम टाइप का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है उषा ब्रांड की तरफ से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसके नीचे आपको एक व्हील का डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस ये एक्चुअली एक फ्लैट चारों व्हील पे ये पूरा बेस्ड है। जैसे कि आप इसको इजीली किसी भी कोने पे चाहते हैं आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। बहुत ही पोर्टेबल है और बहुत ही कन्वीनियंट टू यूज़ भी है। और जैसे कि इसका जो पूरा जो अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी मेरे को एवरेज लगा है, क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये पूरा ही प्लास्टिक बॉडी आपको देखने को मिल जाता है। जो प्लास्टिक बॉडी है उससे क्या होता है कि ये थोड़ा लाइट वेट है तो इजीली आपको मूव करने में आसानी होगा। उसके साथ साथ अगर मैं इसका जो कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं जो उषा जो ब्रांड है वो क्लेम करता है इस कूलर पे, वो है कि इसमें आपको लो पावर कंजम्पशन का फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप इसको इन्वर्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं तो आपको बहुत ही एक अच्छा सा पावर एनर्जी कंजम्पशन एफिशिएंसी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इसके ऊपर आपको एक फ्लैट डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, फ्लैट टॉप डिज़ाइन, जैसे कि आप इसको बहुत ही अच्छे से किसी भी कोने पे ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं इसका जो मेन फीचर्स की बात करूँ इसमें आपको कार्बन डस्ट फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। सो कार्बन डस्ट फिल्टर से क्या होता है कि आपका जो एयर है बाहर का वो अच्छे से प्यूरीफाई होके आपके घर पे ये दे देता है, जैसे कि आपको एक अच्छा सा मतलब पॉल्यूशन फ्री एयर आपके मतलब घर पे हो, जैसे कि आपको ब्रीदिंग कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा हमको फीचर देखने को मिल जाता है ये जो पर्टिकुलर कूलर है इस पे। उसके साथ साथ अगर मैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप जान लीजिए, तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ ये जो पीछे वाला जो आउटलेट जैसे कि आप देख पा रहे हैं उससे क्या होता है कि आप इसे अंदर अगर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर आप इसके अंदर रखना चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्ट एक पाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक कंटिन्यूस वाटर फ्लो देखने को मिले।
उसके साथ साथ ऊपर की साइड में आपको इस टाइप का एक कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है, तो जिसमें आपको स्पीड कंट्रोल का रेगुलेटर सब कुछ देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको दोनों स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, एक से आप पंप को कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरे से आप इसका जो एयर फ्लो है, इसका जो स्विंग है, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है एक एयर कूलर के लिए। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें के नीचे आपको एक इस टाइप का एक लेवल, जो वाटर लेवल इंडिकेटर है, वो देखने को मिल जाता है। आपको पीछे के साइड में इस टाइप का एक फिल्टर देखने को मिल जाता है। ये जो फिल्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक कार्बन फिल्टर हमको देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा है, और हमको ये दोनों साइड में देखने को मिल जाता है, जो जैसे कि आप इसको एक एंगल करके भी आप इसको स्टेबल रख सकते हैं, जैसे कि आपको दोनों साइड से आपको इक्वल जो अमाउंट ऑफ एयर है वो फ्लो हो, बहुत ही अच्छा सा आपको एक एयर फ्लो भी देखने को मिल जाता है इसमें। जो मैंने बता रहा था मैं आपको कि इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, इसमें आपको एक 34 लीटर्स का आपको एक टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो फिल्टर है ये इजीली रिमूवेबल भी है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप खोल के इसको मतलब जो भी अगर क्लीन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये खुद ना कीजिए, आप किसी भी कोई प्रोफेशनल की सहारा लेके ये कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका जो एयर थ्रो है ये हमको 600 सेंटीमीटर का एयर थ्रो हमको देखने को मिल जाता है। पावर कंजम्पशन की बात करें, हमको 135 वाट का एक पावर कंजम्पशन देखने को मिल जाता है। ये जो खासियत है इसका, ये इन्वर्टर के साथ भी वर्क करता है जो कूलर है, जो बहुत ही अच्छा सा हमको टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। और इस साइड में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक जो आप वाटर इनलेट है, जिससे आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी भी दे सकते हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक जो मेरे को लगा इसमें क्या है कि आप इसे मैनुअली पानी दे सकते हैं, उसके साथ साथ आप उसको पीछे के आउटलेट से भी आप कंटिन्यूस वाटर जो फ्लो है वो आप बरकरार रह सकते हैं। लेकिन जो एक प्रॉब्लम है, इसमें आपको कोई भी आइस का जो मतलब बकेट का कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता, आपको जो भी करना है, जो भी चीज़ करना है वो पानी के सहारे ही आपको जो कूलिंग है वो होगा, कोई भी आपको सेपरेट आइस ट्रे और आइस बकेट का हमको फैसिलिटी इसमें नहीं देखने को मिलता, जो बहुत सारे जो सिम्फनीज के एयर कूलर्स होते हैं जो अभी आ रहे हैं मार्केट में, उसमें हमको एक और एक सेपरेट चेंबर देखने को मिल जाते हैं जिसमें हम आइस को रख सकते हैं, जैसे कि हमको थोड़ा ठंडा थोड़ा ज़्यादा हो। उसके साथ साथ हमको इसमें जो फ़ैन मिलता है, इसका जो टाइप है ये ब्लोअर टाइप का फ़ैन हमको देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसका जो डायमेंशंस की बात करूँ, जो लेंथ विड्थ और हाइट है, लेंथ है इसका 37 सेंटीमीटर्स का, विड्थ है इसका 38 सेंटीमीटर्स का, और जो हाइट है ये है 122 सेंटीमीटर्स का। तो इसका जो नेट वेट है, जो इसका जो वेट है, जो आपको मैंने पहले ही बताया, यह बहुत ही लाइट वेट है हमको देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि बहुत ही स्लिम है, इसका एक प्लस पॉइंट ये है क्योंकि बहुत स्लिम है। इसका वेट है आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको 11.8 केजीज का, जैसे कंपनी क्लेम करते हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाता है। आपको इसको एक ईयर का वारंटी आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसका जो कंट्रोल पैनल है, इसका जो रेगुलेटर है, इसमें हमको थ्री टाइप्स का जो स्पीड कंट्रोल देखने को मिल जाता है, एक है हाई, एक है मीडियम और एक है लो का। उसके साथ साथ हमको इधर 5 कैस्टर व्हील्स का यूज़ किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि आपका जो एयर फ्लो है वो ज़्यादा हो, जो एक्सट्रीम लाइन वे में आपका जो एयर फ्लो है वो बरकरार रहे, बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ हमको डस्ट फिल्टर भी देखने को मिल जाता है और एंटी बैक्टीरियल टैंक भी इसमें गिवन है, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं इसका जो टैंक है, इसमें हमको एंटी बैक्टीरियल टैंक भी देखने को, जो जैसे कि कोई भी वायरस वगैरह कुछ बैक्टीरिया आपके मतलब एयर पे ना हो, जैसे कि आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा सा एक फीचर मेरे को लगा, जैसे कि आप मैन्युअली देख सकते हैं, मैन्युअली कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं इसका जो वाटर कैपेसिटी है कितना है, आपको कितना देना चाहिए, ये सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने किया, जैसे कि आपको एक मतलब डेमो दे सकूं कि इसका जो एयर फ्लो है ये कैसा है, और बिलीव मी इसका जो एयर फ्लो है ये बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि ये स्लिम है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये जो स्लिम है इसके लिए क्या है, आप जिस भी कोने पे चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो मैं आपको ये डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप इसको एकदम जो वॉल है उसके साथ अटैच करके ना रखें, थोड़ा गैप बरकरार रहिए जो वॉल है उससे, जैसे कि एक अच्छा सा एयर फ्लो मेंटेन रहे। उसके साथ साथ हमको
इसमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर कोई पावर कट होता है तो इससे क्या होता है कि आपका जो इंटरनल जो मोटर है इसका इसका जो पूरा जो टैंक है ये कोई भी मतलब डैमेज कुछ नहीं होगा, जो बहुत ही अच्छा है। और ओवरऑल अगर मैं इसका जो पूरा अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो और लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ उससे पहले कि इसके नीचे आपको एक वाटर आउटलेट का एक सिस्टम मिलता है। जो ये जो सिस्टम है ये मेरे को उतना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही तकलीफ करना पड़ेगा, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। एक बटन है इसके नीचे, उसके बाद ये जो वाटर है ये निकल जाएगा, उसके बाद आपको इसको फिर से बंद करना पड़ेगा। ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल अगर मैं इसका जो पूरा बात करूँ, तो अगर आप एक पोर्टेबल बजट फ्रेंडली एयर कूलर ढूंढ रहे हैं, जो एक स्लिम टाइप का एयर कूलर, जैसे कि आप इसको सारे जगह ले सह सकते, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो एयर कूलर ये बहुत ही वर्थ द प्राइस है। होप यू गाइज लाइक एंड एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ। अगर आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप ये जो वीडियो ये ज़्यादातर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तो समर का महीना चल रहा है, तो ये जो कूलर है ये बहुत सारे लोग सोच रहे हैं खरीदने के लिए, तो उनको अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, अगर वो ये टाइप का कूलर ढूंढ रहे हैं, तो उनको भी एक अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा इस वीडियो से, उनको भी एक अच्छा परचेज डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये जो वीडियो है ये अगर आपने पूरा देखा है, अगर आपको अच्छा लगा है, ये आप ज़्यादातर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ ये जो इस टाइप का जो कूलर है ये खरीदने का सोच रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल एंड बाई।